सोयाबीन की फसल पर एक गलती और सब कुछ ख़त्म। तो सोयाबीन की फसल पर पहला स्प्रे जब हम कर रहे हैं तो सस्ता और भरपूर रिजल्ट देने वाली कौन सी दवाई है, और यदि आप सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं और आपको उतना अच्छा बेनिफिट, उतना अच्छा प्रोडक्शन और उतनी अच्छी इनकम नहीं निकाल पा रहे हैं जितनी आप सोयाबीन की फसल से उम्मीद करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, यदि आप सोयाबीन की खेती कर रहे हैं तो सोयाबीन की खेती करते समय आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। यदि आप इन गलतियों को, इन काम को दोहराते हैं तो यकीनन मानिए कि जो लागत है वो बढ़ जाएगी और उतना अच्छा आपको प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। सोयाबीन की फसल वैसे भी बरसात पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है और ऐसे सिचुएशन पर हम और महंगी खाद दवाइयों का स्प्रे करते हैं और गलत टाइम पर प्रयोग कर लेते हैं तो इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, भले लागत कितनी भी बढ़ जाए। तो आज की इस वीडियो पर हम ऐसी महत्वपूर्ण बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो सोयाबीन की फसल पर, आप इन बातों को यदि ध्यान में रखकर अपनी सोयाबीन की फसल पर टाइम टाइम से खाद और दवाइयों का सही मात्रा पर और सही दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट और काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर शुरुआती चरणों पर रिंग कटर, सेमी लूपर्स, हरी इल्ली और पत्तों को खाने वाले कीट और इल्ली का प्रकोप सबसे अधिक मात्रा पर देखने के लिए मिलता है। तो सोयाबीन में ज़्यादा महंगे कीटनाशक हमको स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो भी तब जब हमारी फसल छोटी हो। सोयाबीन में टॉनिक स्प्रे करें या ना करें, यह एक कन्फ्यूजन रहती है। और क्या यदि हम सोयाबीन की फसल पर टॉनिक का स्प्रे करते हैं तो क्या पैसे बर्बाद हो जाएंगे? जी बिल्कुल हो जाएंगे। देखिए, डिपेंड करता है कि जो आपकी सोयाबीन की फसल है, यदि जो पौधा है वो ठीक तरीके से अपनी ग्रोथ ले रहा है, एकदम हरा भरा है और ठीक तरीके से फ्लावर की संख्या देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसी कंडीशन पर आप, ऐसी सिचुएशन पर आप टॉनिक का बिल्कुल भी स्प्रे ना करें। यदि फसल कमज़ोर है, फल फूल कम आ रहे हैं और उतनी अच्छी हाइट नहीं हुई है, यानी फसल में कमज़ोरी कमज़ोरी सी नज़र आ रही है, पौधे की जो टहनियाँ हैं, डालियाँ हैं, कमज़ोर हैं, तो ऐसी कंडीशन पर आप एक टॉनिक का स्प्रे ले सकते हैं। सोयाबीन की फसल पर महंगे और हैवी रेंज के कीटनाशक फसल के शुरुआती चरणों पर स्प्रे ना करें। यदि आप महंगे कीटनाशक दवाइयों को फर्स्ट स्प्रे पर लेते हैं तो जो अगला स्प्रे आप करने वाले हैं, दूसरा स्प्रे जो आप करेंगे, तो उस पर और भी ज़्यादा महंगे टेक्निकल दवाइयों का आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। और यदि आपने पहला स्प्रे महंगी दवाइयों का, हैवी टेक्निकल्स का कर दिया, तो यकीन मानिए जो आप सेकेंड स्प्रे करने वाले हैं, दूसरा स्प्रे करने वाले हैं, यदि आप कीटों की रोकथाम करना चाहते हैं तो सस्ती दवाई काम नहीं करेंगी और महंगी दवाइयों का आपको स्प्रे करना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन पर आपको क्या होगा कि आपने पहला स्प्रे महंगा कर दिया, दूसरा और महंगा करना पड़ेगा, तो ऐसी कंडीशन पर आपको जो लागत है वो और भी बढ़ जाएगी और उत्पादन अपेक्षाकृत जो आपको मुनाफा होने वाला है उसमें कटौती देखने के लिए मिलेगी। सोयाबीन की फसल पर आप शुरुआती पड़ाव में फर्स्ट स्प्रे पर आप इन सस्ती और अच्छी दवाइयों का स्प्रे ले सकते हैं, जैसे इमीडा क्लोरप्रेड और वीटा साइफ्लोथ्रीन का कॉम्बिनेशन आता है, सोलोमन इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं, क्लोरपाइरीफॉस को ले सकते हैं, प्रोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4% ईसी इंसेक्टिसाइड आती है, इसका स्प्रे ले सकते हैं, क्विनलफॉस को ले सकते हैं, लेमडा साइलोथ्रीन 5% ईसी को ले सकते हैं, ट्राइजोफॉस 44 ईसी को ले सकते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा हैवी टाइप का इल्ली का प्रकोप हमारी सोयाबीन की फसल पर शुरुआती से ही देखने लग गया है, क्लोरफ्लुआजुरोन 5.4% ईसी इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं। इनमें से कोई भी कीटनाशक आप अपनी सोयाबीन की फसल पर फर्स्ट स्प्रे पर ले सकते हैं। अब बात आती है कि फंगीसाइड, तो क्या हमको फंगीसाइड स्प्रे करने की अपनी सोयाबीन की फसल पर ज़रूरत है या नहीं है? तो देखिए किसान भाइयों, जैसे ही हमारी सोयाबीन की फसल 25 से 30 दिन 35 दिन की होती है और जब हम पहला स्प्रे करते हैं, यदि हमारी फसल पर फंगस का अटैक
एक फंगस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन पर ही आप एक फंगिसाइड को ले सकते हैं। और यदि कोई भी फंगस नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमारे हिसाब से एक सस्ती और मीडियम रेंज की फंगिसाइड आप ले लीजिए, क्योंकि जब आप पहला स्प्रे करेंगे तो दूसरा स्प्रे जब आप करेंगे तो इसका जो अंतराल है काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यदि पहले स्प्रे पर फंगिसाइड ले लेते हैं तो जैसे एक फंगिसाइड आती है टेबुकनोजॉल 10% प्लस सल्फर, 65% WG फंगिसाइड आती है जैसे स्वाधीन, हारू फंगिसाइड, इनमें से किसी का भी एक ले सकते हैं। और यदि आपकी जो है सोयाबीन की फसल है एकदम हरी भरी है, कोई भी फंगस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन पर आप साफ फंगिसाइड को ले सकते हैं या फिर टाटा की ताकत फंगिसाइड को ले सकते हैं। सस्ती है और काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त होंगे। ये तो बात हो गई फंगिसाइड की। सोयाबीन पर सेकेंड स्प्रे, तो जब सेकेंड स्प्रे हमको करना रहता है तो रिंग कटर, सेमी लूपर्स और इल्लियों का काफ़ी बड़ी मात्रा पर प्रकोप रहता है। ऐसी कंडीशन पर सस्ती दवाई काम नहीं करने वाली है। यदि आप सस्ती दवाइयों का सेकंड स्प्रे पर स्प्रे भी कर देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, दूसरा स्प्रे आपको फिर करना पड़ेगा, दोबारा फिर स्प्रे करना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन पर आप क्लोरएंटर नीलीप्योर और लैम्डा सालुथ्रीन का जो कॉम्बिनेशन आता है एम्पलिगो इंसेक्टिसाइड बढ़िया रिजल्ट देगी, या फिर जो फ्लुवेंडिया माइट फेम आती है उसका भी रिजल्ट मिल जाएगा, टाटा की टाकुमी इंसेक्टिसाइड का भी आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। यदि आप सेकंड स्प्रे पर जा रहे हैं तो इन दवाइयों का आप स्प्रे कर सकते हैं, एम्पलिगो बेहतरीन रिजल्ट दे सकती है। सोयाबीन की क्रॉप पर फर्स्ट स्प्रे आप इस सस्ते मीडियम रेंज के कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं, बायर कंपनी की सोलिमान इंसेक्टिसाइड और साफ पाउडर, इन दोनों को मिक्स करके स्टिकर मिलाकर शाम टाइम स्प्रे कर दीजिए। यदि आपको लगे कि हमारी सोयाबीन की फसल पीलापन है, कमजोर फसल है और उतनी अच्छी बढ़वार, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, तो आप एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर ले सकते हैं। क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का भी चाहें तो आप फर्स्ट स्प्रे पर मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। लेकिन यदि आपकी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ बढ़वार वेजिटेटिव अवस्था बहुत ही अच्छी है तो कोई भी PGR और कोई भी टॉनिक का स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। सोयाबीन यदि हरी भरी है, ठीक तरीके से बढ़वार और ग्रोथ हो रही है, तो आपको कोई भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और कोई भी टॉनिक स्प्रे करने की, पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। तो आज की इस वीडियो पर हमने आपको बताया कि सोयाबीन की फसल पर स्टेज के हिसाब से ही आपको कीटनाशक दवाई, फंगिसाइड और टॉनिक का चयन करना चाहिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।